तो वहीं बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी और बीएसपी सांसद दानिश अली विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इसी विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की अब एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी सांसद के साथ मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है। बीजेपी सांसद संसद में मुस्लिम सांसद को गाली देते हैं लेकिन अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। वहीं ओवैसी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उन्हें चैलेंज किया कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वायनाड छोड़कर हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास गंदगी गाली देता है एक एक बात मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था वो रहे कहने उसकी जबान खराब थी। अच्छा जबान खराब थी, अरे ये तो आवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब आवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम कहां गए आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से बुझाओ। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा, आओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहां हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।